साथियों, तारीख है दोस्तों 20 तारीख है और शिफ्ट दोस्तों पहली है और ये सभी फौजी भाई दोस्तों पेपर देकर आए। यस सर, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। मतलब पेपर उसी का अच्छा जाता जो बंदा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। यस सर। चलो भाई, जीके में क्या पूछा था? अरे भैया, कितने क्वेश्चन आइटम करे बाबू? 49। आपने 50 50 के 50 कर दिए। हां यार, तुमने 44। आपने 43। आपने 48। आपने 35। आपने 49। आपने 39। आपने 48। आपने 50। आपने 44। आपने कितने? और आपने 42 43। चलो आप लोग यहीं रहना, अब पूछेंगे बच्चे से कौन सा सही कौन सा गलत है ना, आपको मजा आएगा। चलो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? छत्तीसगढ़ का राज्यपाल का क्या नाम है? और चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और सर ये गुजरात में, गुजरात में हाईकोर्ट कहाँ पर है? चोरा चोरी कांड कहाँ से स्टार्ट हुआ? किस समय पूछा था? बिहार। और क्या पूछा बेटा? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? एमपी। हाँ जी, अपने इंदौर से महूस है ना। और आप क्या बोलना चाहेंगे सभी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से? किस लेवल का पेपर आ रहा है, हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाह रहे हैं। साइंस में से, साइंस में क्या क्वेश्चन पूछा था बताओ यार? अम्ल और क्षार का मिश्रण क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। आया था क्या लवण? चलो नेक्स्ट बताओ। चलो और सर, इनमें से ये था, अरे एसिड अलग होता है, क्षार अलग होता है। ऐसा कौन सा जो जिसका पाचन क्रिया से नहीं, चार होते थे अंग, फेफड़े, अमाशय और बड़े ऊपर से नीचे के वो जाते थे। ऐसा कौन सा मानव शरीर का अंग है जो पाचन क्रिया से संबंधित नहीं है? ऐसा है ना, कितने जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं? वन जोड़ी पाया जाता, दो पाया जाता ना सर। एक आमिर का किला भी पूछा था। आमिर का किला और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पूछा था। कौन सा ट्रॉफी? बॉर्डर गावस्कर सर, वो तो कहता 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2023 हॉकी वर्ल्ड कप न्यायाधीशों की संख्या जितने आने वाला क्वेश्चन, और उसमें सर उसका आएगा। बाबू कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने सर? 48 करे। 48 करे। जैसे ये वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे सर, तुम्हारे जैसे दूसरे भाई पेपर देने के लिए आएंगे तो उनको क्या बोलना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर ऐसा, करंट अफेयर के दोस्तों 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पांच क्वेश्चन आ रहे हैं जी। और सर उसके साथ साथ सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो सर तैयारी बहुत अच्छी है। मतलब कुल मिला के दोस्तों आपको पाठ्यक्रम को पूरा कंप्लीट करना है, कहने का मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए तभी आप क्या बनेंगे बेटा, फौजी बनोगे है ना। कैसा लग रहा है आप सभी को पेपर देने के बाद में? अच्छा लग रहा है ना, और बढ़िया मेहनत करना फिर से। और सब भाई क्या बनोगे? फौजी बनोगे, ठीक है। और अधिकतर लोग किसान के बेटे होंगे यहाँ पर, कौन कौन किसान के बेटे, हाथ खड़े करो। सभी किसान के बेटे हैं यहाँ पर, मतलब कि फौज में कौन जाता है? किसान का बेटा जाता है, एक मजदूर का बेटा जाता है, ठेला चलाने वाले का बेटा जाता है, समझ बात को। तो गर्व करते हैं यहाँ पर, जय जवान जय किसान है ना। और कहने का मतलब दोस्तों मेरा इतना ही है कि जो आज का जो सिलेबस है, हर दिन दोस्तों क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं लेकिन सिलेबस में से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जा रहा है। 10वीं लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके रीजनिंग के आ रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे? मतलब कौन से टॉपिक्स आए थे? चलो ठीक है, लव यू आलोक, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फौजी बनोगे? यस सर।